हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कुकिंग रमेश में। मैं आज आपके लिए हरी साग की एक रेसिपी बताने जा रही हूं। वो इस प्रकार है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बथुए का साग है। बथुए के साग को हम कई तरह से खाते हैं, क्योंकि सर्दियों की ये बहुत ही गर्म सब्जी है। इसको लोग कई तरह से बनाते हैं। एक मैं सिर्फ एक सिंपल सा एक रायता बना के आपको बताऊँगी कि वो किस तरीके से बनेगा और कैसे हम लोग इसको सर्व करेंगे। अब आप देखिए, ये बथुआ है जो मैंने धो के सुखा के अच्छी तरह रखा हुआ है, साफ़ किया हुआ है। अब हम इसको उबाल लेंगे साफ़ पानी में। उबलने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में वो उबल जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के उबालेंगे। उबलने के बाद ये हमारा इस तरह दिखेगा। अब हमने इसको मिक्सी के जार में ले रखा है। इसको उबालने के बाद हम लोग इसके अंदर 2 मिर्ची डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देखिए, मैं आप करती हूँ। हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा इसको दरदरा ही रखना है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह इसको निकाल लिया है। अब ये देखिए, अब रायते बनने की तैयारी हो रही है। इसके लिए हमें चाहिए दही, जो गाढ़ी होनी चाहिए, और सिर्फ हमें सादा नमक चाहिए, सफ़ेद वाला, और वो हम इसको डाल देंगे इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा, आधी छोटी चम्मच। उसको मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर बथुआ जो हमने पीसा है वो हम डाल रहे हैं। अब इसको मिलाएंगे। आप देख सकते हैं बथुए का कलर अब निकल के आ रहा है। बस आप देख सकते हैं, अब हमारा बथुए का रायता तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक तड़का लगाएंगे, जो सिर्फ सिंपल सरसों के तेल को गरम करके, और उसके अंदर थोड़े से हमें जीरे डालने हैं। जब जीरे क्रैकल होने लगे, काले हो जाएं, तब हम इसके अंदर उसको डाल देंगे। आपको मैं दिखाती हूँ तड़के की तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं तेल मेरा गर्म हो रहा है। अब हम इसके अंदर अपने जीरे डालेंगे। बस जीरा हमारा क्रैकल कर रहा है। बस अब हमें गैस को बंद कर देना है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डालूंगी। हमारा रायता बिल्कुल अब तैयार है। आज की डिश कैसी लगी कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।